तो सुबह के अभी 6 बज रहे हैं और कोहरा और धुंध देख सकते हैं। वैसे आज उतनी ठंडी नहीं है। तो सुबह सुबह चली आई हूँ मैं छत पर, और जैसे कि कल का व्लॉग एंड नहीं हुआ था तो उसे एंड करने के लिए आई थी। और यहाँ पर देखिए हमारे खूबसूरत गुलाब के फूल। तो जी मेरी गार्डनिंग इतनी पसंद आ रही है लोगों को कि मेरी गार्डनिंग को देख करके इंस्पायर हो करके मेरे अड़ोसी पड़ोसी तक मेरा कॉपी करके गार्डनिंग करने लगे हैं। तो देखिए कितनी मज़े की बात है। और ये देख सकते हैं हमारे अड़ोस पड़ोस में। और गार्डनिंग करना मेरा शौक है, शुरू से ही शौक था और ये मैं काफ़ी सालों से कर रही हूँ। ऐसे तो मैं बूढ़ी हूँ लेकिन कोई भी चीज़ मेरा कोई देख ले तो कॉपी ज़रूर करता है। तो कुछ लोगों का फितरत ही होता है कॉपी करना, तो उनका तो कुछ नहीं किया जा सकता है। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक नए ब्लॉग के साथ। चलिए नए फ्रेश ब्लॉग के साथ शुरुआत कर दिए हैं आज के दिन की रूटीन की। तो यही है सुबह का, थोड़ा सा टहल रहे हैं छत पर और नीचे जाएंगे, देखेंगे क्या काम करना है, रसोई घर की साफ सफाई करनी है। और अगर आप सभी को हमारे वीडियोस ब्लॉग्स पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ इसे लाइक कर दिया कीजिए और चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। अभी तो ठंडी का सीज़न है तो कोई ज़्यादा फूल नहीं आ रहे हैं, सारे जो हमारे फूल वाले पौधे हैं गर्मियों के हैं तो ठंडियों में वैसे फूल नहीं आते हैं। तो बस ये एक आ रखा है, आपको दिखाते हैं। ये जवा का फूल है, ऑरेंज जवा। तो बस यही एक फूल रह गया है। और यहाँ पर देखिए तो ये है गुलदाउदी और ये सर्दियों में ही होता है। तो इसे मैंने 3-4 साल पहले लाया था और हर साल ये सर्दियों में ही इसके फूल आते हैं। और एक बार फूल आएंगे उसके बाद से ये फिर अपने डोरमेंसी में चले जाते हैं। और बस सर्दियों में गुलाब का ही सीज़न रहता है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं इसकी भी कटाई छटाई करनी होगी। तो देखिए कैसा झाड़ी हो रखा है। तो ये डिस्पोजेबल चम्मच है जिसे मैं खरीद कर लाई थी और मेरे पुराने बर्तन हैं उनके साथ ही मैंने रख दिया था अंदर। तो इसे मैं निकाल कर बाहर रखती हूँ कभी ज़रूरत पड़ता है। और एक नया काम जो हमारा तवा होता है और चौकी बेलन होता है उसे इस तरीके से कवर करके रखना चाहिए, उसे दिखाना नहीं चाहिए या फिर खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। तो इस तरीके का एक थैला है इसमें मैं इस तरीके से रख रही हूँ, नहीं तो कहते हैं कि इससे शनि दोष लगता है, तवा नहीं खड़ा करके रखना चाहिए या शुभ माना जाता है। तो इस तरीके से मैं कवर करके आज से क्या कई दिनों से रख रही हूँ। तो ये आज मैं दिखा तो दिखा दिया आपको भी। और यह हमारा जो है दोपहर का खाना बन चुका है, चावल, ये रहा दाल। और दाल मैंने आज बहुत ही स्पेशल वाला बनाया है, यहाँ मटर मिक्स करके बनाया है दाल। दाल है यहाँ पर, देखें क्या चीज का सब्जी है। तो यहाँ पर है बैंगन भाजा, आलू भाजा और यहाँ पर है हरा धनिया और टमाटर की चटनी। तो आज हमारे दोपहर का यही है लंच और बहुत ही सादगी वाला खाना है, सिंपल सा खाना है लेकिन बहुत ही टेस्टी खाना है। तो चलते हैं, बच्चे अभी नहा रहे हैं, नहा लेंगे तो मैं भी नहाने जा रही हूँ, फिर आकर जो है दोपहर का खाना खाएंगे। हाथ भिजे हो क्यों है? हाथ धो के खाना नहीं खाई? नहीं।
रोटी वोटी खाई। आओ जल्दी। तो बस खाना पीना खा कर आ ही रहे हैं, और बच्चे जो है बाहर गए थे तो थोड़ा सा बाहर से ही कुछ खा पी कर आए थे तो नहीं खाए, तो जा रहे हैं सोने। और आज का जो ब्लॉग है कुछ खास नहीं बना, छोटा सा ही ब्लॉग बना है। उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आएगा, और पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और शाम को थोड़ा सा बाहर गई थी थ्रेडिंग वगैरह कराने के लिए, तो छठ पूजा में ही थ्रेडिंग करवाए थे और काफ़ी बड़ा हो गया था तो वही थ्रेडिंग करवाए। और फिर बस आज ऐसा कुछ ब्लॉग शूट नहीं किया हमने, तो जो भी है आप लोग देख लीजिएगा। आज का ब्लॉग बस इतना ही, और बच्चे घर में नहीं थे इस वजह से ज़्यादा कुछ नहीं शूट कर पाए। तो हम हाउस वाइफ का वही रहता है, सुबह का खाना पीना बनाना, शाम का बनाना, तो यही रहता है। तो आज क्या दिखाया, कुछ नहीं दिखाया हमने, तो रोटी सब्जी था रात के खाने में। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से एक नए अच्छे ब्लॉग के साथ। Till then, bye bye. I'm the one who's always sorry, the conclusion, even though I offer all of the solutions.